सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दिखाई गई जितनी भी बुक्स हैं वो सभी क्लास 9th और 10th दोनों के लिए अवेलेबल हैं और सभी सब्जेक्ट के लिए लगभग अवेलेबल हैं और बाकी बुक्स की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आप लोग ये वीडियो देखने के बाद मुझे पक्का कमेंट करेंगे कि सर आपने बुक्स तो बता दिया लेकिन हम लोगों को बुक्स चाहिए भी। सो इसके लिए भी मेरा एक प्लान है जिससे मैं आप लोगों को सभी को फ्री में बुक्स अवेलेबल करवाने की सोच रहा हूँ। सो इस प्लान को मैंने आखिरी के पार्ट में रखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो का आखिरी वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, ये MSP नॉलेज इनसाइक्लोपीडिया है और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th की ऐसी टॉप क्लास बेस्ट बुक्स जिसके वजह से आप क्लास 9th और 10th में गुड मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो हम लोगों के काउंटडाउन में नंबर 5th पर है अरिहंत की आई सक्सीड। सो ये बेसिकली एक NCERT बेस NCERT CBSE बेस एक बुक है जिसमें आपको लगभग 15 सैंपल पेपर ईच रहेगा ईच सब्जेक्ट, और ये बुक सब्जेक्ट वाइज आती है। एक सब्जेक्ट की बुक खरीदने में आपको ऑलमोस्ट 115 रुपीज लगेगा। इसमें सैंपल पेपर इंक्लूडेड है, ये सैंपल पेपर बेस बुक ही है लेकिन इसमें आपको चैप्टर मैप नहीं मिलेगा, यानी कि इसे पढ़ के आपका ये नहीं होगा कि आपको पूरा चैप्टर पूरा बुक अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सैंपल पेपर्स ही मिलेंगे। सो अगर इस बुक को रेटिंग देने की बात हो तो मैं इस बुक को प्राइस के हिसाब से देना चाहूँगा 3.9 रेटिंग। इसके सैंपल पेपर के क्वालिटीज़ के बेसिस पे मैं इसे देना चाहूँगा 4.1 रेटिंग, और इसमें चैप्टर मैप ना होने की वजह से मैं इसे ओवरऑल रेटिंग दूंगा 3.8। सो नंबर 4th है एग्ज़ाम आइडिया की बुक। सो एग्ज़ाम आइडिया बहुत अच्छी बुक्स रहती हैं, उनमें चैप्टर मैप अच्छे से रहता है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से रहता है लेकिन उनमें सैम्पल पेपर कुछ खास नहीं रहते, मतलब कि वो काम चलाऊ टाइप के आपको सैंपल पेपर मिलेंगे लेकिन चैप्टर मैप और एक्सप्लेनेशन आपको बेस्ट क्वालिटी में मिलते हैं। लेकिन इसका प्राइस भी 300 प्लस है, लेकिन मैं इसे आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रेफर एकदम नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत मोटी बुक रहती है। हाँ, अगर आपको फ्लो चार्ट लेने हो या फिर कुछ क्वेश्चंस करने हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन सैम्पल पेपर इसमें अच्छा नहीं रहता और एक तो ये मोटी रहती है, लास्ट 1 मंथ में आप इससे कोई भी फ़ायदा गेन नहीं कर सकते हैं सिवाय चैप्टर मैप को याद करने के। अब इसके बाद अगर मैं इसे रेटिंग देना चाहूँ और चैप्टर मैप और एक्सप्लेनेशन के वजह से मैं इसे देना चाहूँगा 4.2 स्टार रेटिंग्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गोल्डन बुक्स के बारे में। ये बहुत मोस्ट फेमस बुक हैं, इनके सैम्पल पेपर भी अच्छे रहते हैं, मतलब एग्ज़ाम आइडिया से अच्छे रहते हैं पर उतना बेस्ट लेवल के नहीं रहते हैं, और एक तो इसका प्राइस भी बहुत हाई रहता है, 450 प्लस आपको पे करना पड़ेगा किसी एक सब्जेक्ट के लिए। इनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा रहता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है, और क्वेश्चंस भी इनके अच्छे रहते हैं, लेकिन मैं इन्हें एग्ज़ाम टाइम के लिए आपको प्रेफर इसी वजह से नहीं करूँगा क्योंकि एक तो इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा ही मोटी रहती हैं। अगर आप इनके बुक्स को एग्ज़ाम से 1-3 मंथ पहले पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके रह जाएंगे। सो एग्ज़ाम से पहले के लिए मैं इसको आपको प्रेफर करूँगा, ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आपके सेशन की स्टार्टिंग हो रही है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में मैं आपको इसे रेफर नहीं करने वाला हूँ। मैं इसे देना चाहूँगा 4.1 स्टार रेटिंग, सैम्पल पेपर में मैं इसे 3.5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो मैं इसे 4.1 स्टार देना चाहूँगा। अब इसके बाद बात करते हैं सिंगेज फाउंडेशन बुक्स की। सो ये बहुत अच्छी बुक्स रहती हैं, मतलब सिंगेज वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है फाउंडेशन बुक्स के लिए। फाउंडेशन बुक्स यानी कि जो बोर्ड को छोड़कर और भी कई बेसिस पे बनती हूँ, जैसे कि जी और नीट पर। सिंगेज की जितनी भी बुक्स बनती हैं वो जी और नीट के ऊपर भी बनती हैं और कई एग्ज़ाम्स के ऊपर बनती हैं, लेकिन क्लास 9 और 10 के लिए आपको जी और नीट के लिए फाउंडेशन बुक्स अवेलेबल हैं। सो इसका दाम लगभग 500-700 रहता है, जो कि इसके कंटेंट के हिसाब से वर्थ इट भी है।
और इसमें सैम्पल पेपर नहीं रहते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन बैंक बहुत हार्ड रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। गुड लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं हर चैप्टर के आखिरी में। एक्सप्लेनेशन इसका लाइन बाय लाइन बहुत अच्छा होता है, मतलब बुक्स मीडियम साइज की होती है, मतलब ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है, ईजी वर्ड में ज़्यादा एक्सप्लेन होता है। और हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे मैं आपको इसे प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है तो मैं इसे बेस्ट बुक कहूँगा आपके लिए, क्योंकि इसमें जी और नीट के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको ओवरऑल रिवाइज करवाते रहेंगे और आपका माइंड भी डेवलप करवाते रहेंगे। एग्ज़ाम टाइम को अगर छोड़ दिया जाए और अगर जी और नीट के बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है ये बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए क्लास 9 और 10 के लेवल में। मैं इसके एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन के लेवल पे इसको देना चाहूँगा 4.5 स्टार रेटिंग। अब नंबर 1 पर मैं रखूँगा रोहित पब्लिकेशंस की बुक को, क्योंकि इसके प्राइस भी लो रहते हैं, 110 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट की अच्छे से सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर के साथ आपको एक अच्छी सी बुक मिल जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन बेस नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके जो क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं वो इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझा कर इसके आंसर्स होते हैं। सो, ये एक बहुत अच्छी बुक रहेगी आपको एग्ज़ाम टाइम के लिए। सो, एक NCERT बेस्ड बुक है जो कि बहुत अच्छी रहेगी आपको एग्ज़ाम टाइम से 1 मंथ या 3 मंथ पहले रिवाइज करने के लिए। इसमें लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स और अनसॉल्व और सॉल्व सभी टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। सो, इसी के साथ हम लोगों ने अपनी सारी बुक्स कवर कर ली हैं, और अगर मुझे अभी आपको प्रेफर करना हो इन 5 बुक में से कोई 2 बुक, प्रेफर करना चाहूँगा रोहित पब्लिकेशंस की बुक को, क्योंकि वो बहुत सस्ती रहती हैं और सेकेंड बात इनमें क्वालिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा सिंगेज की बुक्स को। सिंगेज फाउंडेशंस की बुक भी बेस्ट रहती हैं क्योंकि इनका जो कंटेंट है वो भले ही NCERT बेस्ड ना हो, लेकिन पूरी NCERT और पूरा जो सिलेबस है आपका 9 और 10 का वो अच्छे से आपका कवर हो जाता है। और नीट और जी प्रिपरेशन के लिए 9 और 10 से जिसको शुरू करना हो तो ये बेस्ट रहेगा। सो, एग्ज़ाम टाइम के लिए मैं रोहित पब्लिकेशंस की बुक को प्रेफर करूँगा, और बाकी फाउंडेशन बुक्स के लिए मैं सिंगेज की बुक को प्रेफर करूँगा। सो, थैंक यू आखिर तक बने रहने के लिए। तो चलिए अब उस प्लान के बारे में बात करते हैं जिसका हम लोगों ने स्टार्टिंग में जिक्र किया था। सो, देखिए, आपने जितनी भी बुक्स देखी अब आप कह रहे होंगे कि सर उनको अवेलेबल भी हम लोगों तक करवाइए। सो, इसी वजह से मैंने ये सोचा है कि इस मंथ जैसे नवंबर और दिसंबर ये 2 मंथ्स हैं, और इसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बुक्स आपको दिखाई गई हैं और एक्स्ट्रा बुक्स आपको अवेलेबल करवाऊँगा वो भी फ्री में। सो, मैं हर पब्लिकेशन की बुक्स खरीदूंगा जैसे जितना भी बुक्स यहाँ पर दिखाया गया है, और वीडियो बाय वीडियो उनका रिव्यू करूंगा, जैसे कि आप हमेशा हर बुक का फ्रंट पेज ही देखते हैं, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में भी देखा। लेकिन अब आपको फ्रंट पेज की जगह मैं पूरी बुक दिखाऊंगा और उसका अंदर का कंटेंट भी देख कर बताऊंगा कि वो कैसा है। इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोज आती रहेंगी और मैं उन्हें अच्छे क्वांटिटी में खरीदूंगा जिससे हम लोग उसका गिव अवे कर सकें। सो, इसके लिए भी आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, और सिंगेज बुक्स और रोहित पब्लिकेशंस की बुक का रिव्यू जल्दी ही आने वाला है, आप लोग उसके लिए भी अपडेटेड रहें। सो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप लाइक करना चाहते हैं कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो मत कीजिए, लेकिन आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी नीडेड को अगर इन बुक्स की ज़रूरत हो और वो रीच ना कर पा रहा हो तो उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।